बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया है बड़ा खुलासा। कहा 2017 में मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले उन्हें देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे परिवार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का दिया था आदेश। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। कई सीटों पर फंसा हुआ है पेच, कांग्रेस का दावा जल्द सुलझेगी गुत्थी। पूर्व सीएम अशोक चौहान का कांग्रेस पर पलटवार, बोले गठबंधन में सीटें कम मिलने पर कांग्रेस नेता उन्हें बना रहे हैं बलि का बकरा। कहा कांग्रेस बुरी तरह से नाकाम होगी। सूत्रों से खबर, कांग्रेस सांगली और विभंडी सीट नहीं मिलने की वजह से नाराज है। कांग्रेस का आरोप है अशोक चौहान की वजह से कांग्रेस को नहीं मिल पाई है दोनों ही सीटें। मुंबई में ईडी की ने पोंजी स्कीम चलाने वाले विनोद खुटे के साथ कई लोगों के खिलाफ मामले में 14,41,00,000 रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। पुणे के शिरूर से एनसीपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवाजी पाटिल ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पाटिल का दावा है वंचित उम्मीदवार से नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। बीड़ के श्री क्षेत्र नगर नारायणगढ़ में होगी मराठाओं की बड़ी सभा, 900 एकड़ जमीन पर बैठक की घोषणा, मनोज जरांगे पाटिल ने किया है ऐलान। बीड़ लोकसभा प्रत्याशी बजरंग सोनबड़े का बीड़ जिले में विधायक संदीप क्षीरसागर सहित प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वागत किया गया। एनसीपी नेता जितेंद्र आवार ने लोकसभा उम्मीदवार सुरेश महात्रे पर की जा रही कार्रवाई पर जताई है नाराजगी। कहा अगर डराने की कोशिश करोगे तो पलटवार हो जाएगा। नागपुर में सीजे चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लिया। पुणे में पानी नहीं तो वोट नहीं को लेकर शिवाजीनगर के खैरेवाड़ी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र में पानी की समस्या के कारण लोकसभा चुनाव 2024 के बहिष्कार की घोषणा की है। मुंबई में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित करने के बाद मुंबई युवा कांग्रेस ने अंधेरी इलाके में लगाए हैं बैनर। मुंबई में गुड़ी पड़वा के अवसर पर श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में चढ़ाए गए सोने के आभूषणों की मंदिर ट्रस्ट ने नीलामी की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रन फॉर वोट जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एंटी करप्शन ब्यूरो के एडीजीपी विश्वास नागरे पाटिल भी शामिल थे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की रैली में हुए शामिल, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट नहीं किया, इसमें बदलाव नहीं किया है। जीडीपी वृद्धि अनुमान दर भी 7% पर बरकरार है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से भारतीय मिडिल क्लास को ईएमआई में नहीं मिली है कोई राहत। एयर इंडिया विस्तार विलय का मूल्यांकन करेगा एनसीएलटी, सितंबर 2023 में मिली थी इसकी मंजूरी। निपॉन पेंट इंडिया ने पेंट रिपेयर सर्विस ब्रांड मास्टरक्राफ्ट को लॉन्च किया है गुरुग्राम में पहली दुकान का उद्घाटन। कंपनी के डायरेक्टर शरद मल्होत्रा ने कहा भारतीय बाजार के प्रति हमारी नई पहल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर है, $645.6 बिलियन पहुंचा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है इसकी जानकारी। अभिनेता तनुज बिरवानी एमटीवी स्प्लिटला 15 के होस्ट और मेंटोर के रूप में सनी लियोनी के साथ अपनी मेजबानी की शुरुआत करेंगे। दोनों पहले भी एक फिल्म में साथ काम कर चुके हैं। संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म लव एंड वॉर की घोषणा की है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल नजर आएंगे। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण का पहला शेड्यूल हुआ है शुरू। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी भगवान राम और सीता की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा छुट्टियों पर गई थाईलैंड, अभिनेत्री ने शेयर की हैं तस्वीरें। अनुराग बसु की मेट्रो इन दिनों फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म में फातिमा सना शेख के साथ ही आदित्य रॉय कपूर भी नजर आएंगे, साथ ही कुंकड़ा सेन शर्मा भी।